कितना बड़ा इनिशिएटिव था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और उस समय 60,000 करोड़ से कोई योजना शुरू करना, लोग कहते थे कहां से इतना पैसा, क्योंकि 1998 की बात है, 1998 की, 60,000 करोड़, और चारों तरफ सड़कें बनती दिख रही थी, लोगों को लगता था कि कुछ हो गया, जैसे सड़क क्रांति हो रही थी, वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोजेक्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देने की बात करेंगे तो उद्योग बढ़ेगा, लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे ही नहीं। अब वही राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो इतनी सुपरसोनिक स्पीड से चल रही थी कि चारों, कहीं 4 लेन बन रही है, कहीं 6 लेन बन रही है, कहीं चौड़ीकरण हो रहा है, कहीं नई सड़क बन रही है। अब इस बजट के लोग 2 साल से कहते आ रहे हैं कि हम 20 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क का निर्माण करेंगे, लेकिन सड़क मंत्री की परफॉर्मेंस कहती है कि वो 4 किलोमीटर प्रतिदिन भी सड़क नहीं बना पा रहे। 4 किलोमीटर अगर इस कछुए की चाल से इंफ्रास्ट्रक्चर चलेगा, 4 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से अगर सड़क बनेगी तो सैकड़ों साल लग जाएंगे पूरे देश को बड़ी सड़क से जुड़ने के लिए। हम लोग देख रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई बहुत बड़ा, बड़ी घोषणा, कोई बहुत बड़ी राशि वित्त मंत्री आवंटित करने वाले हैं, लेकिन दुख हुआ जब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में वो बोलने लगे तो 4 उधारों की बात की उन्होंने। रेलवे 10,000 का उधार लेगा, बॉन्ड जारी करेगा, NHAI 10,000 के बॉन्ड जारी करेगा, पोर्ट्स वाले 10,000 के बॉन्ड जारी करेंगे और हुडको 5,000 के बॉन्ड जारी करेगा। कुल मिला के 35,000 करोड़, वो भी उधार का। हम बात कर रहे हैं ग्रोथ, बात कर रहे हैं एम्पावरमेंट। 35,000 करोड़ रुपया उधारी मांग के देश में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा करेंगे? तो मैं कह रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर के बाद, कानून और व्यवस्था, अच्छी कानून व्यवस्था के बाद ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। 99 में अगर 60,000 करोड़ की बात हम सोच सकते थे तो आए तो 2,00,000 करोड़ की बात सोची जानी चाहिए थी, जो 35,000 करोड़ उधारी पे आके खड़ी हो। तीसरी बड़ी चीज जो ग्रोथ को और ग्रोथ से ज्यादा एम्पावरमेंट को अफेक्ट करती है वो है इफेक्टिव डिलीवरी। क्योंकि कितनी योजनाएं कल्याण की चल रही हैं, वेलफेयर स्कीम्स, जिनमें पैसा जाता है, कोई वृद्धावस्था पेंशन में जाता है, कोई विधवा पेंशन में जाता है, कोई विकलांग पेंशन योजना में जाता है, और बहुत सी कल्याण की योजनाएं, लेकिन क्या बेनिफिशियरी तक वो पहुंच रहा है? ये एक इफेक्टिव डिलीवरी का सवाल है। आज मैं कह सकती हूं, अपने 3 राज्यों का नाम लेकर कह सकती हूं, पीडीएस का वितरण, लोग ये कहते थे कि हिंदुस्तान में कभी भी पीडीएस उधर नहीं सकता, आप अनाज देते जरूर हैं मगर सारे का सारा बाजार में बिक जाता है, गरीब तक पहुंच नहीं पाता। आज छत्तीसगढ़ के राज्य ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है हमारे सामने पीडीएस में। उन्होंने एक दिन तय कर दिया, 7 तारीख, क्योंकि वहां लोग चावल खाते हैं, गेहूं नहीं खाते, तो उसका नाम है चावल उत्सव दिन। हर महीने की 7 तारीख को सारे जनप्रतिनिधि सड़क पर होते हैं और हर राशन डिपो वाले के सामने खड़े हो जाते हैं, 35-35 किलो का बोरा आओ, पहले 105 रुपए में मिलता था, अब 70 रुपए में मिलता है, 2 रुपए किलो वो चावल बंटवा रहे हैं। तो कितनी भी महंगाई बढ़ जाए लेकिन उसको कंट्रोल करने का, गरीब को 2 रुपए किलो चावल देने का, और जो सबसे ज्यादा गरीब है उसको 1 रुपया किलो चावल देने का जो उनका वितरण व्यवस्था है, उन्होंने बाकी सारी धारणाओं को ध्वस्त कर दिया और ये बता दिया कि अगर सरकार में इच्छा शक्ति हो तो डिलीवरी हो सकती है। इसी तरह से मध्य प्रदेश अंत्योदय मेले लगा रहा है, 1 महीना तक कर्मचारी घर घर जाते हैं, बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करते हैं, चिन्हित करते हैं, कौन पात्रता रखता है, वहां हाथ ठेला देने की योजना है, साइकिल देने की योजना है, विकलांग को चेयर देने की योजना है, ये सारी पेंशन योजनाओं में मध्य प्रदेश ने अपनी भी कुछ योजनाएं जोड़ी हुई हैं। 1 महीना तक ये पूरा कार्यक्रम चलता है, उनका आइडेंटिफिकेशन होता है और फिर मेला लगा करके स्वयं चीफ मिनिस्टर उसमें पहुंचते हैं, सारे अधिकारी उसमें पहुंचते हैं, एक ही दिन सबको हाथ में पकड़ा दिया जाता है, जिनका पेंशन है उनका पेंशन का चेक और फॉर्म पकड़ा दिया जाता है, जिनको साइकिल हथ ठेला देना वो पकड़ा दिया जाता है,
किसी को चक्कर नहीं काटने पड़ते, उनका फॉर्म वहीं की वहीं भर करके अगर उनकी पात्रता बनती है तो उनको दे दिया जाता है। और इसी तरह बीपीएल के लिए गरीब कल्याण मेले गुजरात ने लगाए, जितने बीपीएल फैमिलीज बेनिफिशरीज थी एक जगह एक साथ तहसील में आ जाना और वहीं के वहीं पैसा दे देना, जब वहीं चेक मिल गया, वहीं साइकिल मिल गई, वहीं हथेला मिल गया, तो फिर कमीशन कोई कैसे खाएगा? क्योंकि इफेक्टिव डिलीवरी में सबसे ज्यादा जो बाधक बनती है चीज वो बनती है कमीशन, बीच से कट। और मैं कहती हूं हमारी संवेदनाएं कितनी मर गई हैं कि वो झुर्रियों वाला चेहरा उस बूढ़ी माँ का 70-80 साल की जिसको वो पेंशन पहुंचती है 150 रुपए की, उसमें से भी कोई आदमी जाकर के कट मांगता है और कहता कि इसमें से 25 रुपए तू मुझे दे दे। कहां चली गई हमारी संवेदना? लेकिन इफेक्टिव डिलीवरी अगर सरकार इच्छा शक्ति पैदा कर ले तो इफेक्टिव डिलीवरी कर सकती है। अभी मध्य प्रदेश ने एक बिल पारित किया है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, जिसमें उन्होंने जिम्मेदारी लगा दी कि आपको फला सर्टिफिकेट, जैसे जाति प्रमाण पत्र लेना है, जन्मदिन का सर्टिफिकेट लेना है, मरण का सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट लेना है, तो इतने दिन में तहसीलदार दे देगा, और अगर उतने दिन में नहीं देगा तो उस पर पेनल्टी पड़ेगी। उसके बाद 15 दिन में उससे ऊपर का अफसर दे देगा, उसके 15 दिन में उससे ऊपर का अफसर दे देगा। मुख्यमंत्री तक भी अगर कोई चीज आनी है तो उसकी सेवा अवधि तय कर दी गई है। अगर इस तरह के कानून बने, मुझे लगता था कि शायद केंद्र भी ऐसा कोई कानून लेकर आएगा, तो आप डिलीवरी को इफेक्टिव बना सकते हैं। वरना एम्पावरमेंट में सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ी बाधा अगर कोई चीज बनती है तो ये बीच का छोटा भ्रष्टाचार बनता है। तो एम्पावरमेंट के लिए सबसे बड़ी जरूरत अगर है तो वो है इफेक्टिव डिलीवरी की, प्रभावी वितरण। चौथी चीज जो ग्रोथ को अफेक्ट करती है मित्रों, वो है पक्षपात। जब देने वाला अपनी नजर में तेरा और मेरा लेकर बैठता है, जब देने वाला योजना बनाते समय अपने पराए का ध्यान रखता है। अब मुझे समझ नहीं आती देश में कितनी आईआईटीज चल रही हैं, लेकिन प्रणव दा को केवल आईआईटी खड़गपुर दिखाई दिया, 200 करोड़ रुपया आईआईटी खड़गपुर को, बाकी आईआईटी वालों को कितनी हार्ट बर्निंग हो रही होगी, क्योंकि आप देने वाले हैं, बंगाल से हैं और पश्चिम बंगाल के चुनाव है, तो सिवा आईआईटी खड़गपुर के कोई आपके ध्यान में नहीं आया। कितने आईएम चल रहे हैं मित्रों, लेकिन केवल आईएम कलकत्ता याद आया, केवल आईएम कलकत्ता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के कैंपस अगर खोले तो मुर्शिदाबाद में, कलकत्ता में, एक उन्होंने चेन्नई में दिया है, वहां भी चुनाव होने, तमिलनाडु में, वहां भी मल्लापुरम में, वहां भी चुनाव होने, केरल में। केवल चुनाव के दो राज्य याद आए, उनमें से भी एक अपना खुद का गृह राज्य और एक मल्लापुरम जहां चुनाव होने। तो अगर आप ये पक्षपात रखेंगे तो संतुलित विकास कैसे होगा, बैलेंस्ड ग्रोथ कैसे होगा? इसलिए ग्रोथ का दुश्मन है पक्षपात। कि अगर बंगाल की आ गई मिनिस्टर तो रेलें वहीं की वहीं बटेंगी, वित्त मंत्री आ गए वहां के तो वहीं की वहीं बटेगा। पश्चिम बंगाल हमारे देश का एक राज्य है, महत्वपूर्ण राज्य है, लेकिन अगर घर में भी माँ इस तरह का बर्ताव करने लगे, रोज रोज एक बेटे को 2 गिलास दूध और किसी को कहे कि तेरे लिए है ही नहीं, तो घर में विद्रोह हो जाता है। लोग कहते हैं कि माँ अन्यायी हो गई है। तो अगर आप पक्षपात करने लगेंगे तो विकास एक जगह होगा, दूसरी जगह नहीं होगा, और जब दूसरी जगह नहीं होगा तो वहां विद्रोह होगा। इसलिए विकास का दुश्मन है पक्षपात। किसी भी वित्त मंत्री या किसी भी रेल मंत्री को सबसे पहले जो चीज देखनी वो ये कि मैं बैठा हूं तो निष्पक्षता से बांटूंगा, जहां जरूरत है आवश्यकता के अनुसार बांटूंगा। लेकिन जब पक्षपात इस बजट में बहुत साफ दिख रहा है तो वो ग्रोथ का ही तो शत्रु बनकर के उभरेगा। पांचवी चीज है मित्रों, विजन। ग्रोथ कब होती है? अगर शासक दूरदर्शी है, बड़ी सोच रखता है। अभी मेरे भाई ने उधर से कहा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोजेक्ट, व्हाई? बिकॉज दी देन प्राइम मिनिस्टर वाज विजनरी। इस पूरे देश में इतने बड़े पैमाने पर
उन्होंने बड़ी सोच रखी, वो रोड कनेक्टिविटी थी या वो रिवर कनेक्टिविटी थी या वो टेलीफोन कनेक्टिविटी थी। आप देखेंगे कि हर चीज बड़ी थी। मैं स्वास्थ्य मंत्री थी, मैंने 6 एम्स की घोषणा की। आज मुझे कहते हुए गर्व है, 50 साल में हिंदुस्तान में 1 एम्स बना था, 50 साल में 1 एम्स और 1 साल में 6 एम्स। अंतर था सोच का, लेकिन यहां क्या विजन है, ये बजट भाषण में उनका लेके आई, आपने सुना। ज्यादा बजट स्पीच नहीं सुना रही हूं, सिर्फ एक ही एक चीज सुना रही हूं। दलहन के लिए पल्सेस, विलेज पल्सेस, 300 करोड़ टू प्रमोट 60,000 पल्सेस विलेज, 300 करोड़ फॉर प्रमोशन ऑफ ऑयल पाम, 300 करोड़ फॉर इनिशिएटिव ऑन वेजिटेबल क्लस्टर्स, 300 करोड़ ऑन न्यूट्री सीरियल्स, 300 करोड़ ऑन नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट्स, 300 करोड़ फॉर एक्सेलरेटेड फॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और अंत में कहते हैं 300 करोड़ क्यों रख रहा हूं, क्योंकि 3 मेरा लकी नंबर है। अब मित्रों, अगर देश का बजट जरूरत या आवश्यकता के आधार पर नहीं, वित्त मंत्री के लकी नंबर पर बनने लगेगा, तो आप उसे क्या कहेंगे? और अगर 3 ही लकी नंबर था तो थोड़ा सा हाथ बढ़ा दिया होता प्रणवदा, 1 जीरो और लगा दी होती, फिर 3000 करोड़ ही दे देते। अब आप बताइए, 100 करोड़ का देश, 300 करोड़ दलहन के ऊपर, कितना बड़ा क्राइसिस है आज दालों का, 300 करोड़ दलहन पर। आप कह रहे हैं न्यूट्री सीरियल्स, हम तो लोगों को रागी खिलाएंगे, बाजरा खिलाएंगे, ज्वार खिलाएंगे, खेती उपजाएंगे, ऑर्गेनिक करवाएंगे, 300 करोड़। इसका मतलब दृष्टि जरूरत या आवश्यकता पर नहीं गई, एक सीधे सपाट कहते हैं ना स्वीपिंग, बजट बनाने वाले को कह दिया सबको 300 करोड़ दे देना, क्योंकि 3 मेरा लकी नंबर है। 3 तो लकी नंबर है, इसीलिए तो पार्टी में नंबर 3 बने हुए हैं, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बाद, ये 3 इनका लकी नंबर है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, क्योंकि अगर विजन नहीं होगा मित्रों, अगर विजन नहीं होगा, दूरदर्शिता नहीं होगी, बड़ी सोच नहीं होगी, तो ग्रोथ कहां से आएगी? लोगों को एम्पावरमेंट कैसे देंगे आप? 300 करोड़ में किसको एम्पावर कर लेंगे? 300 करोड़ पकड़ा दिया आपने। अगर एम्पावरमेंट की बात है तो हर जगह आपको सोचना होगा, कितने लोग हैं, कितनी आवश्यकता है, उस हिसाब से आप बांटेंगे। और एक और विजन मैं आपको बताऊं, उसमें तो आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। जिस समय वो कैश ट्रांसफर ऑफ फर्टिलाइजर एंड केरोसिन सब्सिडी की बात कर रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने कहा कि कैश ट्रांसफर होगा केरोसिन और फर्टिलाइजर के, दबादब मेजे थपथपा दी लोगों ने, दबादब। और उस ताली में लोग भूल गए सुनना, लेकिन मेरे कान लगे हुए थे, मैंने सुन लिया। फर्टिलाइजर सब्सिडी किसको दी जा रही है? बीपीएल फैमिलीज को, बीपीएल फैमिलीज को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं उनको। ये देखिए, मैं गलत नहीं कर रही हूं, ये सुन लीजिए मेरी बात। टू इंश्योर ग्रेटर एफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड बेटर डिलीवरी फॉर बोथ केरोसिन एंड फर्टिलाइजर्स, द गवर्नमेंट विल मूव टुवर्ड्स डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ कैश सब्सिडी टू पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन ए फेस्ट मैनर। अब आप मुझे ये बताइए कि जब बीपीएल लिखने जाते हैं तो पहला सवाल पूछते हैं, भाई तेरे पास जमीन है कि नहीं है, मकान है क्योंकि नहीं है, तो ये खाद क्या उसे खाने के लिए दी जाएगी? फर्टिलाइजर की सब्सिडी, पूरे का पूरा पार्लियामेंट जो मेजर थपथपा रहा था, उनको लगा किसान के लिए कोई बड़ा काम कर दिया कि कैश सब्सिडी, कैश ट्रांसफर करेंगे बजाय फर्टिलाइजर कंपनीज को सब्सिडी देने के। बहुत दिनों से मांग उठ रही थी, सारे किसानों को लगा कि चलो अब खाद की सब्सिडी सीधे मिला करेगी, मगर किसान को नहीं मिली है। बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसके पास बेचारे के पास ना जमीन ना मकान, उसको फर्टिलाइजर की सब्सिडी गई है। अब ये विजन, अगर इस तरह के विजन रख करके डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, देश का बजट बनेगा, तो कहां तो ग्रोथ होगी मित्रों, और कहां एम्पावरमेंट होगा। सोचा तो हमने ये था कि देश इस समय एक बहुत बड़े संक्रांत काल से गुजर रहा है,
एक अविश्वास का संकट है। हर व्यक्ति एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। ये जिस स्पीच की बात कर रहे थे अभी राजन भारती, उस जेपीसी में बोलते हुए मैंने ये तमाम बातें कही थी और मैंने हिंदुस्तान के लोकतंत्र की बात भी कही थी कि भारतीय लोकतंत्र में बहुत क्षमता है, बहुत शक्ति है। हम कितना भी आपस में लड़ें, लेकिन हम मिल बैठकर रास्ता भी निकालते हैं। और वो रास्ता निकला,